मेरी जो छोटी बहन सिद्धि है इसने मारा है पूरे स्कूल में टॉप। सबसे पहली गुरु जो है उनको वो पहना रही है मेडल। बैक टू माई न्यू व्लॉग, और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11:55 पर, और अभी अभी करके आया हूँ मैं नीचे सफाई, और अभी मैं कर रहा हूँ अपनी किचन साफ, क्योंकि देखो व्लॉग बनाता हूँ ना तो ये देखो पीछे गंदगी से आती है, और मम्मी की तबीयत थोड़ी बहुत खराब थी इस वजह से मम्मी ने साफ सफाई करी नहीं, नहीं तो मम्मी साफ सफाई कर देती है। और दीदी चली गई है सुबह सुबह कॉलेज, और ये सब साफ करना पड़ेगा मुझे अकेले, तो अभी इसको मैं साफ करता हूँ, और साफ करते करते उसके साथ ही बनाऊंगा व्लॉग। चले यहाँ जो बर्तन है ना इन सबको साफ कर रहा हूँ, और उसके बाद ये रेलिंग साफ करूंगा, क्योंकि रेलिंग भी थोड़ी बहुत गंदी हो रही है। क्लिप तो खाली कर दी है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो गंदगी है ना इसको पहले साफ करूंगा, और उसके बाद लगाऊंगा इस पे साबुन, फिर अच्छे तरीके से मेरा ये पत्थर साफ हो जाएगा, फिर उसके बाद करूंगा साबने का साफ। इतनी भी गंदगी है सबको मैं कर रहा हूँ अभी एक तरफ, और इस पर मारूंगा साबुन और थोड़ा सा पानी, फिर उसके बाद एक गैस भी साफ करूंगा, भाई गैस बहुत गंदी हो रही है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा हूँ अभी मैं। मेरे वाइट पत्थर में तो ऐसे साफ करता हूँ, कपड़े में डालू थोड़ा सा साबुन, जितने भी दाग दागे हैं सब साफ। मैंने लगा दिया है गैस पे साबुन, और मेरी गैस भी साफ हो चुकी है, बस अब इस पे मारना है पानी, थोड़ा देख के कि इन होलों के अंदर ना चली जाए हमारा गैस खराब हो जाए। और देखो भाई इतनी गंदगी निकली है, तो इसको मैं कर देता हूँ नीचे, ये पानी के थम चली आई बाहर, और यहाँ पे भी कपड़ा मार दिया मैंने, पत्थर एकदम साफ हो गया। अब जैसे ही इसमें पानी मारूंगा ना उसके बाद देखना पूरा फाइनल रिजल्ट आया है, ये एकदम साफ हो चुकी है, और गैस भी अपनी साफ हो चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस गैस के अभी ये सेट करने हैं थोड़ा धो के, सामने वाली अलवाड़ी और ओवन के ऊपर ये सामान रखा है, सामान यहाँ से हटाया था वो यहाँ पे लाकर रख दिया है, और अब मैं सामने का सामान हटा के वहाँ सामने साफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद भाई मुझे बर्तन भी साफ करने हैं और यहाँ पे भी साफ करना है, और देखो मम्मी मार रही है झाड़ू। की तरफ खाली करके साफ करा है कुछ ऐसा, अब थोड़ा बहुत सही लग रहा है, देखो ये फालतू का सामान भरा हुआ था इसमें ज्यादातर। पूरी किसी को कर लेता हूँ ठीक तरीके से साफ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ कैसा आया है रिजल्ट। साफ करने के लिए ना सब सामान उल्टा पुल्टा कर दिया, यहाँ साफ कर रहा था कोना, तो फ्रिज ब्रिज सब सरका दिया, थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी मैंने किचन में, अभी तो बर्तन भी धोने थोड़ा सा ही साफ हुआ, थोड़ा सा रह गया अभी तो, और पांचवी याद पसंद नहीं कर रही पता नहीं क्यों, मैं तो डेली पसंद करती है, अब करेगी नजर लग रही है। और पूरी किचन साफ होने के बाद आया है कुछ ऐसा रिजल्ट, और इस फ्रिज भी साफ कर दिया मैंने सामने की तरफ, ये ओवन के ऊपर साफ कर दिया, और ये गैस वगैरह भी साफ हो गई, और अपनी स्लिप भी साफ हो गई। तो अब जा रहा हूँ कमरे में और ट्राईपॉड और गोप्रो को रख के आता हूँ, मैंने किचन तो साफ कर दिया है, और जितने सारे बर्तन है ना तीस से साफ कराता हूँ, उनसे कहूँगा पूरा घर मैंने साफ कर दिया है, अब तुम खाली बर्तन साफ कर दो। भाई सुबह सुबह चली गई और मैंने कही थोड़ी झाड़ू मार दो कमरे में, वो भी नहीं मारी, कह रही तू मार ले खुद ही। अब कर रहा हूँ बैठ के अपनी एडिटिंग, क्योंकि मुझे डालनी है शाम 5 बजे तक अपनी वीडियो, कि दीदी से बर्तन धुलवाऊंगा, पर एडिटिंग करने के बाद मुझे ही बर्तन धोने पड़े। मम्मी मेरी अभी तारीफ कर रही है, अब मम्मी अब थोड़ा बहुत देख रही है कि मैं पूछ रहा हूँ मम्मी तो साफ सही सही साफ कर रहा है भाई, इतने सारे बर्तन धो दे देखो मैंने। कल की बारिश के बाद देखो आज धूप कितनी कर रही निकल रही है, हो चुका है शाम का टाइम, और सूरज दादा भी ढल चुके हैं, और देखो चंदा मामा निकल आए बिल्कुल ऊपर की तरफ, सामने की तरफ के बादल कितने मस्त लग रहे हैं, और इस साइड का भी एकदम मस्त माहौल हो रहा है। भाई क्या आदमी पता नहीं देखो क्या हो गया, ये काले काले से टमाटर से हो गए छोटे छोटे से बीन जैसे, और इस पे तो अमरूद का पेड़ भी हमारा धीरे करके बड़ा हो रहा है। ये आला पेड़ भाई बिल्कुल खत्म हो गया था, ये आला पेड़ वो है इसमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अब यहाँ हो गया है फिर से, खाली हमने इसमें डाल दिया था मरा हुआ पेड़ फिर वो हो गया, ऐसे ही ये भी खत्म हो गया था तो ये भी हो गया है, दोनों सेम ही है, बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं इसमें, रेड आते हैं और इसमें ये व्हाइट और ये बैगनी कलर का कॉम्बिनेशन है इनका। मैं आया हूँ नानी के यहाँ, और नानी के यहाँ आया हूँ तो मुझे नानी ने एक बात बताई है, मेरी जो छोटी बहन सिद्धि है इसने मारा है पूरे स्कूल में टॉप। सबसे पहली गुरु जो है उनको वो पहना रही है मेडल, और दूसरी गुरु बीसु दीदी जो कि उनको ट्रॉफी से सम्मानित करेंगी। नानी आपको कैसा लग रहा है सिद्धि ने टॉप मारा है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। और आप तो इनकी ट्यूशन टीचर हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सिद्धि का रिपोर्ट कार्ड यहाँ लिखी है देखो, पोजीशन इन क्लास फर्स्ट, ये रही ग्रेड ए। और सिद्धि की मामी से ही बात करते हैं, मैम आपको कैसा लग रहा है? मम्मी है वो
अच्छा हाँ, मैं अपनी सिद्धि की मम्मी से ही बात करते हैं, आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने टॉप मारा? टॉप मारा इसी खुशी में हम ला रहे हैं घर पे थोड़ा बहुत बाहर का कुछ खाने को, जिससे हमारी होगी पार्टी। और जो की है सिद्धि का मंगाया हुआ पूरा फेवरेट खाना, क्या क्या मंगाया सिद्धि तुमने? अच्छा अच्छा मीन जुड़ चुके हैं। देखो इतने सारे कन्या लांगुर आगे पैसे जो कि कल खा खा के आएंगे सिद्धि। अच्छा स्कूल में टॉप मारा था सिद्धि के पापा ने, देखो क्या क्या गिफ्ट करा है सिद्धि को। अच्छा दो फ्रूटी पी ली और ये पेंसिल का एक सेट, और ये देखो ये कंघा भी है और ये पेन भी है। देखो वाओ नाइस। और मैं और दीदी गए थे सिद्धि के लिए और अपने के लिए कुछ बाहर से खाना लाने के लिए, पर भाई बाहर आ गई बहुत तेज बारिश। पानी में नहाने के बाद में गोरा सा हो गया। टी शर्ट हो चुकी थी बारिश में बहुत ही गीली, तो ना मामी ने दिए मुझे मामा की टी शर्ट। टाइट आ रही है, पेट तैयार है। कहाँ एकदम फिट आई है। देखो खाने के लिए मोमोज भी लग गए हैं गर्मा गर्म। कैसी लगी सिद्धि? गर्मा गर्म खा के मजे आ गए होंगे। खा रहे हैं बैठ के यहाँ पे आराम से चिरवे, पर मोमोज भीगने के बाद ही अच्छे लगे एकदम गर्मा गर्म। और मैंने मिलके दीदी दीदी और मैंने और सिद्धि ने मिलके जो है मोमोज खत्म कर दिए। मामी खा रही है अपने गाय देखो बेस्ट फ्रेंड, तो ये पर्पल कलर का तो बेस्ट है और इसका नाम रखा सिद्धि ने फ्रेंड। तुमने खुद ही बनाया अपने हाथों से? कहाँ से सीख रही हो सब चीजें तुम? दिमाग से। ओ और देखो सिद्धि ने वो स्टैंड भी बनाया है, वो ऊपर की साइड टंग रहा है। वो करते हैं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग था ब्लॉग को लाइक करना, बोलो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। लाइक जरूर करना, जरूर जरूर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।